प्रश्न पूछा है राजवीर सिंह सिद्धू फ्रॉम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। बाबा जी, इन वन ऑफ योर वीडियोस यू टॉक्ड अबाउट द प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया एंड सेड दैट दिस इज नॉट द राइट सिस्टम एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेकंड. So we get wrong type of people running the government. You also said that sometime in future you let us know what type of arrangement we should have in India. If you can elaborate on it, that will be very kind of you. Rajveer Sidhu from Melbourne, ऑस्ट्रेलिया। दो तंत्र होते हैं, लोकतंत्र और जिसको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं और डिक्टेटरशिप जिसे हम तानाशाही कह देते हैं. डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र लोकतंत्र, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही. तानाशाही की व्यवस्था भी बड़ी सुंदर व्यवस्था थी. लोकतंत्र की व्यवस्था भी बड़ी सुंदर व्यवस्था थी. व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा कीमत नहीं रखती अगर व्यवस्थापक ठीक. राजतंत्र में कोई औरंगजेब आ जाए तो पाप हो जाएगा, कोई हिटलर टाइप, मुसोलिनी टाइप, माओ टाइप तो गलत हो जाएगा. और लोकतंत्र तो किसी भी ढंग से आप चौंकिएगा ना, लोकतंत्र बहुत पेचीदगियां रखता है. कैसे? लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत, सबका साथ सबका विकास. ये लोकतंत्र कहता है 51-49 51% जो ले गया वो जीत गया, 49% जो ले गया वो हार गया. और कई बार तो जीत हार मात्र एक वोट पे भी हो जाया करती है. फिर मैं आपसे पूछता हूं कि जिस व्यक्ति को एक वोट ज्यादा पड़ी वह ठीक ठहरा दिए गए और जिसको एक वोट कम पड़ी वह गलत ठहरा दिया गया, ये तो कोई व्यवस्था ना हुई. यानी कि 49% लोगों के साथ अन्याय होना ही होना है, ये लोकतंत्र है. आप इसको गहरे से समझना. लोकतंत्र में बहुमत जीतेगा और यह कोई व्यवस्था इतनी ईमानदार और इतनी सुस्पष्ट नहीं है.
वो जो 49% लोग थे, कुछ वोटों का फर्क था, अगर वो दूसरे को पड़ गई होती, और बड़े करप्ट सिस्टम है हमारे पास, हम खरीद लेते हैं, जनता अनपढ़ है, बहका देते हैं। कितना ही जागरूक करो, जितने जागरूक वोटर होते जाते हैं उससे ज़्यादा जागरूक गुंडियाँ मछली पकड़ने के लिए बनाने वाले राजनीतिक हो जाते हैं, फंसा लेते हैं तुम। फिर ईमानदारी से चली चली लोकतंत्र की व्यवस्था आज इस मुकाम पर कैसे पहुंच गए? सिर्फ राज करने की नीयत से। चाहे राज चलाना आता है चाहे नहीं आता है, मैं तंत्र की बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोकतंत्र भी कभी सभी के साथ न्याय नहीं होता। उनचास प्रतिशत लोगों के लिए जिसे वो व्यक्ति पसंद करते थे वह व्यक्ति अयोग्य ठहरा दिया गया, जिसे 51% लोग चाहते थे वह व्यक्ति चुन लिया गया। ये व्यवस्था ठीक है? किसी भी दृष्टि से ये व्यवस्था ठीक नहीं। और फिर चलो, अगर ये भी लागू हो जाए तो अगली व्यवस्था भी होनी चाहिए। सबसे पहले वोटिंग सिस्टम, आपको पता नहीं हमारे ज़माने में TN शेषन नाम के एक इलेक्शन कमीशन के हेड हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को सही औकात दिखाई थी कि इलेक्शन कमीशन की क्या ओहदा होता है। बात चलती है इलेक्शन कमीशन से। शुरुआत इलेक्शन कमीशन इतना ईमानदार होना चाहिए जैसा परमात्मा। अब परमात्मा कहां से लेके आओगे आप इलेक्शन करवाने के लिए? लेकिन परम ईमानदार व्यक्ति चुना जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। किसी योग्यता की कमी नहीं है हमारे पास। इलेक्शन कैसा होना चाहिए, हम यहां से शुरू करेंगे। इलेक्शन कैसे होना चाहिए? ना बैलेट द्वारा, ना EVM के द्वारा, तो फिर इलेक्शन कैसे होना चाहिए? दो चार दिन पहले मैंने एक खबर सुनी कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सभी को बड़े मोबाइल दिए गए हैं, ताकि छुट्टियों के अंदर वो अपना रूटीन ना खो दें, छुट्टियों में भी वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। हमारे वक्त में जब महीने की छुट्टियां होती थी, डेढ़ महीने की छुट्टियां होती थी, हम खूब खेलते थे और जो पीछे हमने याद किया भूल जाते थे। कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन ना टूटे तो हरियाणा सरकार ने सभी बच्चों को मोबाइल दे दिया। टीचर घर से बैठ के पढ़ाएंगे, गर्मी में आना जाना नहीं पड़ेगा, ना बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ना EVM से चुनाव होना चाहिए। देखिए, आज का चुनाव इतना खर्चीला है,
और इसमें इतने सुराख हैं, उन सुराखों को बंद करने के लिए हमें तीसरी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी। जब भी कोई बच्चा वयस्क होता है, 18 वर्ष का होता है, 18 वर्ष का बच्चा वयस्क नहीं होता है, 18 वर्ष का बच्चा बॉडीली वयस्क होता है, मेंटली वयस्क नहीं होता। साइकोलॉजिकल चक्रों में 7-7 वर्षों के एक चक्र होते हैं, आपने शायद कभी सुना भी हो, पढ़ा भी हो। तो 7, 14, 21 वर्ष की उम्र में व्यक्ति सही फैसला करना सीख जाता है। 18 वर्ष की उम्र अभी परिपक्व उम्र नहीं, 21 वर्ष की उम्र परिपक्व उम्र है, वह सोच सकता है। 3 साल का गैप हो गया, और 3 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। जिसने भी ये व्यवस्था शुरू की, गलत की। शारीरिक हिसाब से व्यस्क होता है, लेकिन सही में देखा जाए तो शारीरिक हिसाब से भी विकास 18 में नहीं होता, कच्चा। अगर शारीरिक ढंग से देखा जाए तो 25 वर्ष का बच्चा सही विकास करेगा। इसीलिए गुरुकुलों में ये व्यवस्था की गई कि 25 वर्ष तक बच्चा पढ़ेगा। सीखेगा, गुण सीखेगा, अभी उसको गुण इकट्ठे करने का वक्त है, जो सारी उम्र वो प्रयोग करेगा। 25 वर्ष की उम्र बिल्कुल ठीक है। स्त्रियों की उम्र 3 साल कम होनी चाहिए, 22 वर्ष की उम्र, लेकिन चलो ढांचा चल रहा है तो 18 का नहीं होना चाहिए, ये 21 का होना चाहिए। इलेक्शन करवाएं कैसे? मैंने अभी उदाहरण दी हरियाणा सरकार के, जब बच्चा अब आपकी वोटिंग की उम्र 18 वर्ष, जब बच्चा 18 साल का होता है उसे एक उसका आधार कार्ड नंबर फीड करके उसे एक मोबाइल फोन दे दिया जाए, टैबलेट कैप्सूल, उस मोबाइल के भीतर उसका आधार कार्ड फीड कर दिया जाए। तो सबसे बड़ा जो हमें फायदा होगा वो होगा व्यवस्था का, सुरक्षा व्यवस्था का। इलेक्शन के दौरान अगर इलेक्शन 7 से 5 तक होता है तो 7 से 5 तक कर्फ्यू लगा दिया जाए ऑल ओवर इंडिया, कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। लॉकडाउन में तो भी तो हम अपने अपने घरों में कैद थे, कोई मुश्किलात नहीं। 7 से लेकर शाम 5 बजे तक लॉकडाउन, पक्का कर्फ्यू, कोई बाहर नहीं निकलेगा। और उस मोबाइल के अंदर जो जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके नाम भर दिए जाए,
सात से लेके पांच बजे तक वह व्यक्ति जिसे चाहे वोटिंग कर सकता है अंगूठा दबा के। ऐसी व्यवस्था वैज्ञानिकों ने खोज रखी है, क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं। जब हमें बैंक जाने की आवश्यकता नाम मात्र रह गई है, हम घर बैठे रकम को ट्रांसफर कर सकते हैं इधर उधर, तो हम अपने मत को ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते। मत के लिए इतनी लंबी लाइनें, इतनी देर, इतना वक्त खपाने की आवश्यकता क्या है। राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दी जाए, इलेक्शन एक साथ होने चाहिए सारे देश में, और फिर सारी स्टेट में एक साथ होने चाहिए, एक दिन सारे देश में और फिर एक दिन सारे राज्यों में। अगर उसी दिन सारे राज्यों की भी व्यवस्था हो जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। देखिए 100% तो व्यवस्था कोई भी शायद खोजी ना जा सकेगी मेरे ढंग से, लेकिन कागजों का खर्चा बच जाएगा, सुरक्षा बल तैनात होते हैं उससे बच जाएंगे, लोग चलकर वहां जाते हैं उससे बच जाएंगे, जो किसी ने अपना पक्ष रखना है इलेक्शन से पहले तक रखे। 7 बजे के बाद कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, पूर्ण कंप्लीट कर्फ्यू। और अगर कोई नेता, कोई उसका नेता का व्यक्ति किसी घर में प्रवेश कर जाए तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक दंड होना चाहिए। अपने अपने घर में बैठे सभी नेतागण, कोई फेरी डालने की जरूरत नहीं, सभी कैद हो जाएं। एक बार सारा देश ब्लॉक कर दिया जाए, अपने अपने घर में बैठो, जैसे कोरोना के वक्त हुआ, तो हम घर से बैठे बटन दबा के अपना मत का प्रयोग कर पाएंगे। बड़ी सुंदर और इजी व्यवस्था, ना कहीं जाना पड़ेगा, ना वोटरों को खींचकर बूथ तक ले जाना पड़ेगा पोलिंग बूथ तक, ना पोलिंग बूथ की सुरक्षा होगी, ना बाद में ईवीएम मशीनें या पेटियों की ढुलाई या फिर रखी जाना या फिर गिनना या फिर विवाद, ये सारे झगड़े झूठे खत्म हो जाएंगे। इकट्ठ में जो लोगों के सिर फाड़ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तुम बैलेट पेपरों से चुनाव कराने की व्यवस्था पर जोर मत देना। व्यवस्था तो ठीक है लेकिन ठीक नहीं, बड़ा नुकसान होता है, मारकाट होती है, लहू बहते हैं। इलेक्शन वोटिंग के वक्त एक दूसरे के कानाफूसी होती है, इसे डाल देना उसे डाल देना, जो कानाफूसी करनी पहले करो। जैसे हम एक दो दिन पहले प्रचार बंद कर देते हैं, अब लोगों को सोचने दो, उसके बाद लोगों को वोट डालने के लिए सोचने दो। वही व्यवस्था बाकी, प्रचार बंद, लोग आराम से सोचें और फिर जिस दिन वोट डालना है उस दिन आराम से बैठ के सोचें कि वोट डालना किसे है फाइनली, और मोबाइल उनके पास होगा, ऑप्शंस उनके पास होंगी, जिस पर वो चाहता है अंगूठा लगा दे। अंगूठा लगा दे
कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उस अंगूठे की छाप पहुंच जाए। बड़ा इजी सिस्टम है, मेहनत बच जाएगी, सुरक्षा बलों को इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, एक साथ सारे हिंदुस्तान में वोटें डलवाई जाए। कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, वहां अपना मोबाइल उठाएगा और अपना अंगूठा लगा देगा। कोई भी व्यक्ति, एक तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी आपकी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी आपकी। आज बहुत से लोग जो बेचारे हॉस्पिटलाइज हैं वोट नहीं कर सकते, वृद्ध नहीं वोट कर सकते। आप लाख व्यवस्थाएं करते हो कि हम आपको घर से ले जाएंगे आराम से, या घर बैठे भी आप वोट डाल सकते हो। नहीं, ये भी थोड़ा मुश्किलात का मामला है। घर बैठे वोट डालना ज्यादा आसान है सभी के लिए, सारे दिन का आराम। कोई वर्कर्स को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वर्कर्स भी आराम से घर बैठे, सभी के पास मोबाइल होंगे और उन मोबाइल्स में उनका आधार नंबर होगा, उसमें सारे डेटे होंगे, जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं। व्यवस्था होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चार पार्टियां चुनाव लड़ सके। चार पार्टियां चुनाव लड़ सके, एक निर्दलीय, और तीन राष्ट्रीय पार्टियां। राष्ट्रीय पार्टियां दो नहीं होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए और एक निर्दलीय, कोई पार्टी नहीं, स्वतंत्र विचारों वाला। चार व्यक्ति चुनाव लड़ सके, जैसे अमेरिका में व्यवस्था है कि दो बार से ज्यादा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। डेमोक्रेसी का बहुत सुंदर उदाहरण है। व्यवस्था की, राज की व्यवस्था की उम्र चार वर्ष कर देनी चाहिए। सुंदर व्यवस्था है, एक साल में बहुत फर्क पड़ जाता है। चुनाव होने चाहिए मोबाइल के द्वारा, किसी को कहीं नहीं जाना पड़ना है। आप देख लेना, आपकी परसेंटेज ऑफ वोटिंग इतनी बूस्ट करेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आधे लोग आज जा नहीं पाते, आधे लोग बीमार शिमार, अपने काम धाम को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कोई बेचारा दुकान पर अकेला बैठा है। आज वोट डालेगा या दुकान पर काम करेगा, उस दिन संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं, सभी मजदूरों को जो रोजमर्रा की जिंदगी में कमा के खाते हैं उनकी दिहाड़ी उनके खातों में सरकार डाले। चुनी हुई सरकार जो नई चुनी जाए, नई चुनी गई सरकार जो सरकारी नौकरी के हैं, जो प्राइवेट नौकरी के हैं, वो तो नौकरी के हैं, उनको तनख्वाह दे। सरकारी हैं सरकार, प्राइवेट हैं तो प्राइवेट संस्था,
उनका वेतन काटा न जाए। और जो रोजमर्रा के जैसे मजदूर, मिस्त्री, अन्य कारीगर जो हाथों से काम करते हैं, जिनका कोई वाली वारस नहीं, उन्हें काम मिल जाता है तो शाम को पगार मिल जाती है, अपने बच्चों का पेट पाल लेते हैं, लेकिन उस दिन समूचा बंद और सभी को एक दिन का राशन पानी का खर्च। चाहे कोई कितना भी सेठ, चाहे कोई कितना भी गरीब, वो आज के दिन आराम करेगा, उसकी सभी फैक्ट्रियां बंद होंगी, कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी, कोई काम नहीं होगा, सब ठप, सिर्फ वोट डालो। और वोटिंग के दौरान सभी चैनल बंद कर दिए जाएं, 24 घंटे के लिए आप भी आराम करो। एक राष्ट्रीय चैनल चले, बाकी दूसरे सारे चैनल बंद कर दिए जाएं, ताकि किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय चैनल से बात की जा सके। हमारे जमाने में कहाँ चैनल होते थे, एक रेडियो होता था, इतने बजे खबरें आती, उससे पहले बैठ जाते, जब खबरें आती तभी सुननी पड़ती, कोई चैनल नहीं था, तो सभी चैनल बंद, उस दिन सारे चैनल बंद टोटली। ताकि कोई दुष्प्रचार ना कर सके, कोई किसी के मनों के भीतर अपनी गचोल ना फैला सके। उस दिन कुछ नहीं आपने किसी के दिमाग में भरना है। अगर कोई व्यक्ति उस दिन भी दूसरे व्यक्ति को मानसिक रूप से छेड़छाड़ करनी शुरू करे कि यहां वोट डालिए, ये वो, तो उसको दंडित घोषित करना चाहिए। उस दिन तो कोई बिल्कुल ठहराव होना चाहिए, ताकि आदमी बिल्कुल अपनी स्वतंत्रता से अपना वोट डाल सके। वोटिंग की गिनती किस तरह हो और कौन सी पार्टी चुनी जाए, इसकी व्यवस्था भी सुन लीजिए। 51% से कम जिस पार्टी को वोट मिले, वह विजयी घोषित होगी। 51 से कम अगर तुमने वोट हासिल किए, बहुमत का यहां सवाल पक्का पक्का चले। एक तंत्र तो आप सुलझाओ ठीक से, डिक्टेटरशिप आपने त्याग दी, डेमोक्रेसी आप अपना रहे हो, और डेमोक्रेसी का अर्थ होता है बहुमत, और बहुमत होता है आधे से ज्यादा। देखिए 49% की भावनाएं तो ठीक सदा ही पहुंचेंगी, आज तक मनुष्य इतना योग्य नहीं हो पाया कि कोई ऐसी प्रणाली खोजी जा सके जिसमें एक भी व्यक्ति के साथ कोई धक्का ना हो, आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी। लेकिन आज जैसी व्यवस्थाएं हमें उपलब्ध हैं, उनमें हम ये कर सकते हैं, वोटिंग सिस्टम मोबाइल के द्वारा घर बैठे कर्फ्यू लगा हो, सब खर्चे बच जाएंगे आपके। कोई पुलिस का जमावड़ा नहीं होगा, और तुम देख लेना, तुमने देखा लॉकडाउन के भीतर अपराध बहुत कम हो गए, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट बहुत कम हो गए, ना के बराबर करीब। अपराध तो तभी होगा अगर आप घर से बाहर निकलोगे, रोड एक्सीडेंट तो तभी होगा अगर घर से बाहर हम जाएंगे व्हीकल लेके।
इमरजेंसी की व्यवस्था में मेडिकल सहूलत मुहैया कराई जानी चाहिए। तो जैसे हम कोरोना काल में मुहैया कराई थी, सभी अपना राशन पानी उस दिन का लेकर सुबह से पहले कलेक्ट करके बैठ जाएं 7 बजे से पहले। जैसे ही सायरन बजे तत्क्षण व्यक्ति अपने घर को लॉक कर ले और अपना वोट जहां भी डालना चाहे डाले, जब डालना चाहे, जब उसका मन ठीक से बन जाए तो डाले। इंटरनेट बंद होना चाहिए ताकि वोटों की खरीद फरोख्त ना हो। जब नहीं था तब भी तो चलाया करते थे। ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अब भी हम जहां दंगे फसाद होते हैं इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। कोई धौंस, कोई तनाव, कोई धमकी, कोई लालच, कोई किसी तरह की प्रेशर की बात नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट की व्यवस्था थ्रू आउट इंडिया बंद। सन 47 के जमाने में लोट चले, फिर कोई व्यक्ति नहीं कह पाएगा किसी को कि ये इतने पैसे ले लो, इधर वोट डालो, क्योंकि चुनाव के दिन फोन के ऊपर भी उलटपुट हो सकता है। जब आपके पास इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप किसको फोन कर किसको लोभ दिखा पाओगे। देखिए, उससे पहले तो सब कुछ चलता है, चलेगा, लेकिन उस दौरान नहीं चलेगा। मुझे याद है मेरे शहर में मेरे बिल्कुल जो सांझी दीवार थी, हमारे नगर के प्रेजिडेंट ऑफ म्युनिसिपल कमेटी सेठ मरारीलाल लोहटा, बहुत प्रेम था उनका हमारी फैमिली से। वो इलेक्शन लड़ा करते थे और उनके प्रेजिडेंटशिप काल में हमारी मंडी में सीवरेज वगैरह सिस्टम डाला गया और वो आज तक नहीं टूटा। करीब 1960 के करीब ये हुआ होगा, मैं बच्चा था उस वक्त। आज करीब समझो के 60 वर्ष हो गए, लेकिन वो शिवर टूटा नहीं। इतना पक्का और ईमानदारी से बना। उन्होंने डेवलपमेंट बहुत किया था, हर चुनाव वो जीता करते थे और मुझे प्रभारी बना दिया गया। उनके 2-3 इलेक्शंस में प्रभारी रहा। मरारी लाल जी मेरे पिताजी के दोस्त हुआ करते थे, सेठ मरारी लाल लोहटा। उन्होंने अपनी माता की यादगार में आज यहां MMD DAV कॉलेज का निर्माण कराया, कुछ दान देके। उनकी माता का नाम था माता मिश्री देवी, MMD। तो माता के पास भी बैठे बातें करते रहते। सीधे सरल जमाने थे, परिवार को कोई दुख तकलीफ होती साझा कर लेते। वोटिंग पड़ रही, इलेक्शन का वक्त आ गया। उस वक्त संदूकड़ियों में वोटें डाली जाती। हेरा फेरी सरे आम चलती थी। मैं इन चीजों में बहुत अनुभव लिए।
तो सेठ मरारी लाल लोहटा मुझे एक विशेष मशवरे के रूप में हेड बना देते कि आपने सारा संचालन करना है। संचालन की सारी व्यवस्था मेरे हाथों में होती। वोटें बिल्कुल टाइम पर खरीदी बेची जाती। मैं आपको सच बता रहा हूं। भीतर से पर्ची आई सेठ मरारी लाल लोहटा की, मेरे पास पर्ची आई। 25 वोटें जल्दी से खरीद लो। अब जो भीतर आदमी बैठा है, सारी वोटिंग वहां हो रही है, वार्ड नंबर तीन का एक ही पूलिंग बूथ होता, वहीं सबने डालनी है वोट। और संदूकड़ी में गिरा देते हैं। सिस्टम देखिए आप, सारा बोझा मेरे पास। मेरे पास एक छोटी पर्ची आती है, कोई बाहर आया होगा पेशाब करने के बहाने, वो पर्ची मुझे दे गया। मैंने खोल के देखा, 25 वोटें जल्दी से खरीद लो। उन्हें पता लग गया कि मेरी थोड़ी सी वोटें घट रही हैं। जिसके पास पैसा था उनका मुनीम मैं उसके पास गया। उनका नाम था श्री मामन चंद जी, ब्रोकरशिप का काम करते थे। मैंने उनसे कहा ये सेठ जी की पर्ची है, 25 वोटें जल्दी से खरीद। वोटें बहुत बिकाऊ थी, कुछ लोग आखिर तक वोट नहीं डालते थे सिर्फ इसीलिए कि हम तो पैसे लेके वोट डालेंगे। पर मुझे पता था वो लोग कहाँ हैं, मुझे पता था। मैंने कहा कि 25 वोटें खरीद लो, सेठ जी की पर्ची आई, वहां बैठे गिन रहे हैं। वो कोई मूर्ख नहीं है जो इतने इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बना है। लेकिन वह व्यक्ति मुनीम नहीं माना, पैसा उसके पास था। मैंने उसे बहुत कहा, उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था, करीब करीब मरारी लाल लोहटा की उम्र के बराबर था। वह कहता नहीं, तुम्हें क्या पता है, सेठ जी को भी नहीं पता है, हमें पता है हम कितनी वोटें खरीद चुके हैं और कितनी वोट, एक एक वार्ड की एक एक वोट मैं गिना सकता हूं, सफिशियंट वोटों पे हम जीतेंगे। मैंने फिर आग्रह किया, तुम गलती खा रहे हो, जो वोटों के पास बैठा है उसे ज्यादा पता है, तुम फिर भी बाहर, तुम वोटें खरीद लो। मेरे बार बार कहने से भी टस से मस नहीं हुआ वे वक्त, उसने वोटें नहीं खरीदी। और सेठ मरारी लाल गुप्ता 3 वोटों के फर्क से हार गए, 3, सिर्फ 3 हार गए। मुझे पता था। हम चले गए घर, मुर्दान चेहरा लिए मैं सेठ के घर गया। बेटा मैंने तुझे कहा था 25 वोटें खरीद लो, मैंने कहा मैं क्या करूं, पूछो आप इनसे पूछो, इन्होंने खरीदी नहीं, मैंने पांव के हाथ लगा दिए। आपने हारना था जब आपके पैरोकार गलत। ऐसी चालबाजी चलती थी। और बहुत से लोग थे जो बिल्कुल आखिरी, ये जो लाइनें 5 बजे के बाद 9 बजे तक लगती हैं, ये ऐसे ही नहीं लगती, इनमें से ज्यादा मात्रा में ऐसे लोग भी होते हैं जो बेचारे किसी कारण से दिन में वोटिंग नहीं डाल सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आखिर में डालते हैं कि अगर कोई हमें पैसा देगा तो हम वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे।
ऐसे लोग भी होते हैं, भांति भांति का संसार है। तो वो लोग जहां बैठे थे मुझे पता था, क्योंकि वार्ड कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, यही 1000-1200-1500 वोट होते थे। एक एक घर का, एक एक व्यक्ति का मुझे पता था, और वो 3 वोटों से हार गए। और उन 3 वोटों ने दिमाग पर इतना डिप्रेशन कराया कि वहां से छोड़ के चले गए, यहां से कहीं और जाके व्यापार किया, और वहीं उन्होंने देह त्याग कर दिया। इन सब चीजों से मैं निकला, बचपन की बात आपसे साझा की। वोटिंग ऐसी होनी चाहिए, जब हम लाखों रुपया घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें अपने मोबाइल सिस्टम पर इतना यकीन है, तो क्या बात वोटिंग सिस्टम पर इतना यकीन नहीं होगा। अगर कुछ कमी बेशी हो तो मोबाइल में आप उसको ठीक कर सकते हो। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बैठे हैं, 4 पार्टियां चुनाव लड़ सकें, 5वीं पार्टी को इलेक्शन कमीशन मान्यता ही ना दे। जैसे अमेरिका में 2 पार्टियां, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, आप 4 रखो। हिंदुस्तान बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, 4 पार्टियां रखो, 1 निर्दलीय, कोई पार्टी नहीं, और 3 पार्टियां मान्यता प्राप्त, कोई भी, ये सिस्टम होना चाहिए। वोटिंग सिस्टम सबसे पहला, इलेक्शन कमीशन एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन में 5 व्यक्ति होने चाहिए। पांच व्यक्ति होने चाहिए इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन के 5वें व्यक्ति, 4 व्यक्ति उन पार्टियों से, और 1 व्यक्ति बिना पार्टी का। ये 5 व्यक्ति चुने जाने चाहिए, जो जो पार्टियों ने चुनाव लड़ना है, एक एक व्यक्ति तो उनमें से लिया जाए, ताकि कोई धांधली ना हो। आपने वोटें पड़ती देखी होंगी, वहां पर सभी प्रतिनिधियों का एक एक आदमी बैठा होता है। अगर इलेक्शन कमीशन 1 व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया तो बेईमानी निश्चित है, मैं किसी से भी 60-गांठ कर लेगा। लेकिन सबसे ऊपर आता है इलेक्शन कमीशन, हम सबसे पहले ऊपर से सुधार करें। इलेक्शन कमीशन में जो 5 सदस्यीय कमेटी हो, उसमें 3 जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं वो व्यक्ति हों, 1 व्यक्ति निर्दलीय कोई भी हो, और 5वां व्यक्ति बिल्कुल सेपरेट हो, यानी 2 व्यक्ति सेपरेट, 3 व्यक्ति उन पार्टियों के, 5 व्यक्तियों की कमेटी हो। इलेक्शन कमीशन कभी भी 1 व्यक्ति के ऊपर नहीं सौंपा जाना चाहिए। सबसे पहले यहां वोटिंग कैसे हो, इसके ऊपर मैंने तफसील से बोला। गिनती तो आजकल जैसे ईवीएम में हम बटन दबाते हैं कितने वोट पड़ गए, वही सिस्टम है। सारे मुल्क की कुछ जोन बना दिए जाए, अलग अलग से जोन, और उन सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया जाए मोबाइल के द्वारा। चार सिस्टम बना दिए जाए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इन 4 जगह, और रिजल्ट शाम तक आ जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, कोई किसी का मनोभाव नहीं बदलेगा। सिस्टम अगर बिल्कुल इंप्रूव करना है तो राज्यों के इलेक्शन भी साथ साथ करा दिए जाए।
ताकि ये ना हो कि उस राज्य में कांग्रेस, उस राज्य में फलां, उस राज्य में बीजेपी, क्योंकि इन चीजों का भी मनुष्य के व्यक्तित्व पर, मनुष्य के मन पर प्रभाव पड़ता है। सब इकट्ठे चुनाव, और 50% से अगर कोई व्यक्ति 51% से कम वोट ले तो वो अवैध कर दिए जाए, इलेक्शन फिर से। आज तो यहां 30% 20% वाले लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, 80% वाले लोग क्योंकि यूनाइटेड नहीं होते हार जाते हैं, 20% सत्ता को संभालती है, 80% बेचारे मुख को देखते रहते। चंद्रशेखर की सरकार के वक्त क्या हुआ, हम अक्सर कहा करते थे कि ट्रैक्टर ट्राली को खींचता है, यहां तो ट्राली ट्रैक्टर को खींच रही है। चंद्रशेखर की सरकार राजीव गांधी कांग्रेस को खींच रही थी, और अनुपात देखिए इतना फर्क था, महत फर्क था दोनों के गिनती में, 20% लोग, और उसके पीछे जो उन्हें बल दे रहे थे 80% थे। ऐसी ऐसी सरकारें भी हमने देखी, '92 में इलेक्शन हुए पंजाब में, अकाली दल ने बायकॉट किया, कभी भी इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना चाहिए, ये मान्यता गलत है, ये कोई ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं, ना समझी की बात है, क्योंकि जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो एक पार्टी जीत जाएगी पक्का ही है। बहुत से व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित हो गए, अकाली पार्टी ने बहिष्कार किया कि हम नहीं डालेंगे वोट, हम नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, क्या हुआ निश्चय जीत गई पार्टी, कांग्रेस जीत गई। पंजाब की बात करें, जो नहीं भी योग्य थे वो भी जीत गए, जो भी इलेक्शन में खड़ा हो गया वो जीत गया, क्योंकि विरोध में तो कोई था ही नहीं, विरोध में एक ही पार्टी थी अकाली पार्टी, उसने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। 18 वर्ष, अभी आपके सिस्टम से कह रहा हूं इसे 21 वर्ष कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, पहले सिस्टम 21 का ही हुआ करता था, हमारे वक्त ज्यादा प्रौढ़ता से हम वोटिंग कर सकते थे, 18 वर्ष की बहुत कच्ची उम्र होती है, 3 वर्ष में आदमी पक जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति वोट डालने के योग्य हुआ उसे एक मोबाइल फोन दे दिया जाए जो सिर्फ वोटिंग के काम आए, वो वोटिंग चाहे म्यूनिसपैलिटी के हो, पंचायत के हों, स्टेट के हों, सेंटर के हों, या और कोई भी इलेक्शन, वो मोबाइल डेली की वार्तालाप के लिए यूज नहीं करना, वो आपका संभाल के रखो। जब इलेक्शन आए, इलेक्शन तो आते ही रहते, हर 5 साल में 3 इलेक्शन तो आते ही, पंचायत का या म्यूनिसपैलिटी का 1, स्टेट का 2 और सेंटर का 3, 3 कम से कम इलेक्शन आते ही हैं, तो उस मोबाइल को संभाल कर रख लीजिए, क्योंकि उसमें अपना आधार नंबर फीड है, सारे डेटे फीड है, वक्त पर उसे सौंप देना चाहिए मैनेजमेंट को, और वो सभी कैंडिडेट्स का बीच में फीडिंग करके आपको दे देगा, ये ले जाओ, ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, बस इतना सा काम, बहुत मेहनत आपकी बच जाएगी। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी,
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा कैसे होगा जब कर्फ्यू ही लगा दिया गया इलेक्शन वाले दिन, और जब वोटें बूथों पे नहीं डाली गई तो लड़ाई झगड़ा होगा कैसे? बूथों पे ही सिर फटते हैं, बूथों पे ही लहू लुहान तू तू मैं होती है, मनोविकार खड़े होते हैं। ये मुद्दा ही आप खत्म कर दो। बहुत से और भी फायदे आप जब सोचोगे, जब क्रियान्वयन करोगे इस चीज का, तब आपको पता चलेगा कि कितना आसान काम कितना मुश्किलात में डाल दिया गया सिर्फ अपने लोभ और लालच के लिए। आज तक आपको ऐसी व्यवस्था सोची ही नहीं थी क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। जब हम लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन मोबाइल के जरिए कर देते हैं तो हम अपने मत का प्रयोग मोबाइल के जरिए नहीं कर सकते, कर सकते हैं और एक जगह फीड हो जाता है। जो हम पैसा ट्रांसफर करते हैं वो कहीं जाके फीड होता है ना, तो ऐसे ही हमारा मत जाके फीड हो जाएगा और वहां गिना जाएगा। जैसे हमारे पैसे बैंक में जाके फीड होते हैं और गिनती आपके पास आ जाती है कि आपका टोटल बैलेंस इतना है, ऐसे ही जब आप मत डालेंगे तो वह सिस्टम जहां पर जाकर सब कलेक्ट होने को है, वह आपको फौरन इलेक्शन खत्म होने के बाद बता देगा कि इस कैंडिडेट को इतना, इसको इतना, सब मिला लिए जाए, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, उनका रिजल्ट उसी दिन। यह है व्यवस्था, बड़ी आसान, बिल्कुल झगड़े से रहित, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई सुरक्षा व्यवस्था लगाने की जरूरत नहीं, कर्फ्यू लगा दो। आपके पास सिस्टम है, पूछा है सवाल कि इंटरनेट की व्यवस्था अगर बंद कर दी तो हम वोट डाल कैसे सकेंगे? बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही प्रश्न निकलेंगे। इंटरनेट की व्यवस्था अगर खत्म कर दी तो हम वोट नहीं डाल सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर इंटरनेट की व्यवस्था चालू रखी जाए। लेकिन इसका कुछ और भी उपाय ढूंढा जा सकता है, क्योंकि जिसके द्वारा हमने वोटिंग करनी है वो मोबाइल ही सेपरेट होगा, हम अपने फोन का इस्तेमाल ही ना कर सकें, ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्थाएं और भी बहुत निकलेंगी, गलतियां इसमें भी निकलेंगी, लेकिन ये बेस्ट सिस्टम है। ऐसे चुनाव होना चाहिए, बहुत शीघ्रतापूर्ण रिजल्ट आ जाएगा, एक जगह का परिणाम दूसरे जगह पर नहीं पड़ेगा कि यूपी में ये व्यक्ति जीत गया तो पंजाब में ये जीतना चाहिए फिर बराबर की सरकार बनेगी। दोनों इलेक्शन बिल्कुल समय पे, ठीक है। अगर आपसे कोई व्यवस्था नहीं बने तो इंटरनेट की व्यवस्था है, इलेक्शन के दिन बराबर रखी जाए, उसमें कोई व्यवधान ना हो। अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिलता तो ठीक, तीन इलेक्शन आते हैं, यह मोबाइल अलग से होना चाहिए, इसके द्वारा आप किसी का भी वोटिंग कर सकते हैं, म्यूनिसपैलिटी का या पंचायत का, स्टेट का या सेंटर का, लेकिन ईवीएम के द्वारा ये नहीं होना चाहिए। जहां इकट्ठ आपको यहां से जाकर कहीं बूथ पर वोटिंग डालनी पड़े वो बंद कर दीजिए, सिस्टम लॉक कर दीजिए सारे हिंदुस्तान को एक दिन के,
जरूरी व्यवस्थाएं जैसे हमने लॉकडाउन में रखी थी वो तो चलेंगी, सबको पता है। इससे आगे 51% अगर वोटिंग ना हो तो फिर इलेक्शन पोस्टपोन, क्योंकि लोकतंत्र में तो इसी व्यवस्था से भी न्याय नहीं होता। 51% वोट लेने वाला 49% लोगों के इच्छाओं पे भावनाओं पे कुठाराघात होता है। चलो हमारे पास व्यवस्था नहीं, हम क्या करें? 49% की तो भावनाएं टूटेंगी ही टूटेंगी, लेकिन 51% जिसे हम बहुमत कह देते हैं वो तो एक पार्टी के पक्ष में होना ही चाहिए ना। इक्यावन से कम हो तो वोटिंग कैंसल, इलेक्शन कैंसल। ये सभी जगह के ऊपर ऐसा नहीं हुआ, जिस जिस जगह पे भी ऐसा हुआ बाहरी इलेक्शन, और जिस जिस जगह पे करीब करीब इस सभी जगह पे ऐसा ही होगा, क्योंकि वोटिंग की परसेंटेज बढ़ेगी और आपको 51% वोट मिल जाएगी करीब करीब। सभी को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन व्यवस्थाएं उन्हें रोक लेती हैं। कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, बहुत सी वोटें ऐसे नहीं डाली जाती, किसी का मन ही नहीं है वोट डालने का, तो प्रेरित किया जाए। इसके लिए कोई कानून नहीं, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, तो नोटा बना दिया जाए कि मुझे कोई अच्छा नहीं लगता इसमें से, इक्यावन प्रतिशत राज करे तो चलो समझ में आता है कि बहुमत इसके साथ, हम इससे सुंदर व्यवस्था बना ही नहीं पाए आज तक। कोई भी देश इससे ज्यादा सुंदर व्यवस्था नहीं बना पाया। डिक्टेटरशिप की व्यवस्था बड़ी सुंदर थी, मैं कभी बाद में आपसे बात करूंगा, बड़ी सुंदर थी। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाने की चेष्टा करूंगा, संक्षेप में मैं यहां बता भी दूंगा। एक राजा के कैबिनेट में एक मंत्री था, उस मंत्री ने बहुत हेरा फेरी की, बहुत पैसे कमाए बेईमानी के, अपने धौंस दे के पैसा काफी इकट्ठा कर लिया। राजा ईमानदार था, मंत्री बेईमान था। मंत्री ने बहुत पैसा कमा लिया, अच्छा सब कुछ खरीद लिया, रहन सहन बदल गया परिवार का, अच्छा बंगला डाल लिया, सब कुछ मुहैया था उस वक्त जो मुहैया हो सकता था। आखिर बात राजा तक पहुंची कि इस व्यक्ति की जो पगार इतनी, तो इतना पैसा कहां से आया। छानबीन की गई, दोषी पाया गया। तो राजा ने कहा, तब कोई अदालतें तो थी नहीं, तुझे पद से हटाया जाएगा या मृत्युदंड दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ के पांव पकड़ के एक बात कही कि ना मुझे हटाया जाए ना मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। राजा साहबान, मैंने जितना कमाना था कमा लिया, जितनी जरूरत थी, जरूरत से भी ज्यादा पीढ़ियों तक की जरूरत थी, मैंने कमा ली। अगर आप किसी व्यक्ति को मुझे मार के या पदच्युत करके किसी नए व्यक्ति को लेके आते हैं, वह फिर वही काम करेगा जो मैंने किया, मैं संतुष्ट हूं, क्यों ना फिर मुझको ही रख लिया जाए।
नया व्यक्ति फिर से अपने घर भरेगा, फिर से बेईमानी करेगा, आपको पता भी ना चलेगा। बेईमानों के पास सूत्र बहुत होते हैं। तो बात पते की थी, राजा की समझ में आई बात ठीक। उसने उस व्यक्ति को रख लिया कि तुम्हारी बात दिमाग में खोपड़ी में चली गई। और उस महामंत्री ने, उस मंत्री ने उसके बाद कोई बेईमानी भी ना की, सब कुछ हो गया। अब मेरा पेट भर गया, मेरी नियत भी भर गई, मैं जो चाहता था मैंने जोड़ लिया, अब मैं इससे अपना पारिवारिक भरण पोषण अच्छी तरह से करूंगा। राजा ने उसे रख लिया, राजा को उसका तर्क समझा गया। डिक्टेटरशिप, एक छोटी सी बात आपको साइंटिफिक ढंग से समझाऊं। राजतंत्र क्यों चला और कैसे अच्छा है राजतंत्र, ये मैंने आपको बताया। समान अधिकार, बहुमत का अधिकार, लेकिन तानाशाह तंत्र कैसे ठीक है ये बताऊंगा मैं आपको। जब कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, जैसे वो मंत्री संतुष्ट हो गया जिसने सब कुछ बना दिया था, तो आपको पता हो ना हो, साइंसेस की खोज कर पाए नहीं कर पाए, ये एक संस्कार की तरह हमारे डीएनए में प्रवेश कर जाएगी वो तृप्ति। एक आपको मजे की बात बताऊं, जितने भी व्यक्ति एनलाइटेंड हुए उनके जो बच्चे हुए उन्होंने कभी खुरापात नहीं किया। कारण, कारण जब व्यक्ति एनलाइटेंड होता है तो उसका डीएनए का रोम रोम संतुष्ट हो जाता है, परम तृप्त। तो वो तृप्ति उसके डीएनए में घुस जाती है, उसके डीएनए का अंग बन जाती है। क्यों राजा जनक के बच्चे इतने पवित्र थे, इतने धैर्यवान थे? सीता को बिना कारण के वनवास दे दिया गया, लेकिन तृप्त थी क्योंकि जनक तृप्त था, उसके डीएनए में से डीएनए आया था। ये कहानियां हैं कि खेत में से निकली थी, अकाल पड़ गया था, हल चला रहा था, ये सब बकवास। सुनैना की पुत्री थी सीता, जनक और सुनैना। जब कोई व्यक्ति एनलाइटमेंट को उपलब्ध होता है, फिर से सुनना, थोड़ा सा मुश्किल काम है समझना, तो उसके मन की तृप्ति, वह इतना संतुष्ट हो जाता है और पानी की जरूरत भी क्या है, इसलिए तो लोभ खत्म होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्यों खत्म होता है, इसलिए मात्र तृप्त हो गया, पूर्ण तृप्त हो गया एनलाइटनमेंट के बाद। वो एनलाइटनमेंट के बाद जब तृप्ति पूरे तंतुओं ने पी ली डीएनए ने, तो वह जब ट्रांसफर होगा और उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी तृप्त होगा, वो उसके भीतर शांत। ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति के बच्चे शांत वो उग्रवादी बन ही नहीं सकते, वो कभी झगड़ा मोल ले ही नहीं सकते। अब देखिए बाबा नानक के, श्रीचंद लक्ष्मण चंद, क्या क्या कोई उपद्रव खड़ा किया। बुद्ध के बच्चों ने कोई उपद्रव खड़ा किया, राहुल ने, नहीं? जितने भी एनलाइटेंड पर्सन आप देख लो उनके बच्चों ने कोई उपद्रव खड़ा नहीं। क्योंकि डीएनए के भीतर वो तृप्ति घुस गई, वो तृप्ति ट्रांसफर हो गई। जैसे रोग ट्रांसफर होते हैं डीएनए टू डीएनए, ऐसे ही तृप्ति भी ट्रांसफर होती है।
जो आपको एनलाइटन पर्सन का बच्चा कभी मारकाट करते नहीं दिखाई पड़ा होगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, वह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके डीएनए के भीतर तृप्ति है, संतोष है, भेदभाव खत्म है। ऐसे ही जनक जिस बच्चे को राज दे, जिस बच्चे को जन्म देगा उसे राज देगा। ये एक व्यवस्था बनाई गई थी और ये एक व्यवस्था है कि बड़े बच्चे में सारे गुण आ जाते हैं, व्यवस्था है। इसलिए बड़े बेटे को ही राज मिलता, और वाई क्रोमोसोम्स के भीतर ये ज्यादा मात्रा में फिट होते हैं। लड़कों को क्यों माना गया उत्तराधिकारी, बात थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि वाई डीएनए अगर एक्स डीएनए के बीच में एक्स डीएनए मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, लेकिन वाई डीएनए वाई क्रोमोसोम के भीतर ये ज्यादा मात्रा में संग्रहित होते हैं, बड़ी सूक्ष्म बात है। इसलिए लड़कों में ये गुण ज्यादा चले जाते हैं, और जब वीर अपने प्रबल अवस्थाओं में होता है, प्रथम बार होता है, तो ज्यादा संभावना है कि बड़ा बेटा ज्यादा समझदार हो। अगर दारा सिकों को व्यवस्था के अनुसार राज्य करने की अनुमति दे दी जाती, औरंगजेब ये दुष्कर्म न करता, तो बड़ी सुंदर व्यवस्था चलती और मुस्लिम हजारों सालों तक और भी राज कर सकते थे। तृप्ति की जो भावना पी ली गई हमारे क्रोमोसोम्स के द्वारा, वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं, वो भी तृप्त होगा, आगे ट्रांसफर होंगे। राजा का बेटा राजा, ये थी व्यवस्था, ये भीतरी व्यवस्था थी क्रोमोसोम्स के डीएनए के। इतना भर गया उसका रोम रोम, जर्रा जर्रा हमारे सभी क्रोमोसोम्स में वो तृप्ति फैल गई। राजा ने सब कुछ भोग लिया होता है, ये थी व्यवस्था। और फिर जैसा देखता अपने बाप को काम करता हुआ, उसे अभ्यास भी हो जाता है, राज कैसे किया जाता है, न्याय कैसे किया जाता है, ये सारी बातें वो बैठा बैठा देखता रहता है अपनी आंखों से, और उसके दिमाग में फीड होती रहती है। ये व्यवस्था थी तानाशाही की, शाह तंत्र। गरीब के बच्चे में भूख देखी, इसलिए पुरातन ऋषियों ने गरीब के बच्चे को राजशाही में प्रवेश नहीं दिया। कुछ बातें ऐसी हैं जब मैं बोलूंगा तो उससे कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, यहीं तक सीमित रहूंगा कि राजशाही क्यों चली, किसने मान्यता दी, क्या हुआ, क्यों हुआ। महाभारत इसीलिए हुआ, महाभारत में शांतनु के बच्चे ने राज्य नहीं किया,
अगर भीष्म पितामह बैठ जाते जो कि सही वारिस थे तो महाभारत कभी नहीं होता। हुआ क्या कि ये पांडु और धृतराष्ट्र शांतनु के वंश नहीं थे, ये वंश थे वेदव्यास के, और वेदव्यास में राज की क्षमता नहीं थी, शांतनु में राज की क्षमता थी। चित्रांगद और विचित्र वीर दोनों मर गए। दोनों मरने के बाद संकट पैदा हुआ। सत्यावती ने बोला वेदव्यास से कि आओ बच्चे पैदा करो, मुझे बारिश चाहिए। भीष्म से बोला कि तुम संभाल लो। सत्यावती ने कहा कि आप संभाल लो। उसने कहा माता मैं नहीं संभाल सकता। उस व्यक्ति की भीष्म प्रतिज्ञा आड़े आ गई जो महाभारत करवा गई। अगर थोड़ा भी समझदार होता देवव्रत तो तत्क्षण बैठ जाता गति, क्योंकि अपनी संकल्प से ज्यादा, अपनी प्रतिज्ञा से ज्यादा देश हुआ करता है। अगर देश के लिए प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ जाए तो तोड़ देना, इसे ही राष्ट्र प्रेम कहते हैं। देश के लिए प्रतिज्ञा भंग करनी पड़े तो कर देना, क्योंकि वो पूरे देश का सवाल है। यहां प्रतिज्ञा तुम्हारा सवाल है। जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया वह राज नहीं कर पाएगा, उसका वंश राज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको चालाकियां फलाकियां आती ही नहीं होंगी, उसके तंत्र में ही नहीं है, ये उसके टिश्यूज में, डीएनए में, क्रोमोसोम्स में है ही नहीं। वह तो सीधा सरल होगा। कबीर का बच्चा कमाल राज नहीं कर सकता। एनलाइटेंड हुआ, संबोधि को प्राप्त हुआ। बुद्ध का बेटा राहुल संबोधि को प्राप्त हुआ। नानक के बच्चे श्रीचंद लक्ष्मणचंद संबोधि को प्राप्त हुए। डीएनए में वही तृप्ति थी। अगर संबोधि को प्राप्त नहीं होंगे तो कम से कम मारकाट नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं फैलाएंगे, दूसरों के बच्चों का लहू नहीं डलवाएंगे। आपस में लड़वा मरवा के कटवाएंगे नहीं। हम जब शादी करते थे गोत्र की व्यवस्थाएं थी। तो गोत्र क्या है? बड़ा गहरा मसला है। यही डीएनए का मसला। किसी भी व्यक्ति को चुनने से पहले उसके एंसेस्टर्स को देख ले, किस प्रवृत्ति के थे। बहुत सी प्रवृत्तियां क्योंकि वहीं से आई हैं। आप साइंस से पूछो ना, वैज्ञानिकों से पूछो, अपवाद कहीं कहीं होते हैं, सब जगह नहीं होते अपवाद। एक्सेप्शंस आर नॉट देयर ऑलवेज, बट एक्सेप्शंस आर देयर, सभी जगह नहीं होते, नहीं तो इनको एक्सेप्शन कहते ही ना। ये थी तानाशाह की व्यवस्था। ज्यादा सुंदर व्यवस्था थी, जनक तक सीमित रही। जनक से आगे राम तक सीमित रही। कितनी सुंदर व्यवस्था थी। एक व्यक्ति भी मेरे राज में दुखी ना हो। सबसे बड़ा करुणमयी हृदय भगवान राम का। एक व्यक्ति ने चरित्र हनन का दोष लगाया सीता से,
और उस व्यक्ति ने इतना बड़ा त्याग कर दिया और सीता ने उस त्याग को स्वीकार कर लिया। जरा भी उसने मन मैला ना किया, बिल्कुल नहीं कहा कि क्यों निकाल रहे हो, दोष क्या है, मेरी बात सुनी ही नहीं, मुझे अदालत में बराबर मेरे विचार सुनने चाहिए थे, राजा सारी प्रजा का मालिक होता है, मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, सीता भी तो राम की प्रजा थी, लेकिन राम की पत्नी भी थी, इसलिए पत्नी को आदेश मानना पड़ा, न्याय नहीं मांगा उसने, आदेश माना। न्याय मांगती तो जीत जाती, फैसला टालना पड़ता, न्याय मांगती तो जीत जाती, सच्ची थी, लेकिन पत्नी भी थी प्रजा भी थी, प्रजा की तरह नहीं डील किया भगवान राम को, पत्नी की तरह डील किया, ठीक मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करती हूं। गर्भ में दो बच्चे चले गए, सोच ही सकते हो आप, सोच भी नहीं सकते कितनी मुश्किलात में रहे होंगे राम और कितनी मुश्किलात में रही होगी सीता, आप सिर्फ कहानियां सुन सकते हो। लेकिन उस व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे यापन किया तुम ये बात कभी नहीं समझ सकते। सीता ने अपना जीवन कैसे यापन किया आप सोच भी नहीं सकते। मैं जब राम जी का रोल किया करता था, हमारी दो रामलीलाएं थी यहां मशहूर ज्यादा, उन दोनों रामलीलाओं में मैंने राम जी का रोल किया है, तो वनवास तक सब ठीक ठाक रहता, उसके बाद लोगों को पता ना चलता, लेकिन मैं आखिर तक भीतर से रोता रहता, मुझे राम का पूरा जीवन हृदयंगम हो गया, मुझे समझ आई कि राम ने क्या किया मानवता के लिए और हम कहां से कहां चले गए हैं। वनवास तक सब ठीक, लेकिन जैसे ही वनवास हुआ मेरा सुर बदल जाता, मेरी वाणी बहुत जीर्ण शीर्ण दुखित हो जाते। जैसे ही मेरा ये गाना आता, राम बनो की जाता रे माता, राम बनो को जाता री माता, बस वहीं से मेरा भाव बदलना शुरू हो जाता और मैंने राम को जिया, राम के चरित्र को अच्छी तरह जिया। जब मैं पर्दे के ऊपर आता तो बंद पर्दे में भगवान राम से ही प्रार्थना करता, अस्तित्व से यही प्रार्थना करता कि जो राम ने जिया चरित्र, तू ही खेल वो खेल, मैं छोड़ता हूं अपने आप को और मैं परे हट जाता और फिर राम ही खेलता, फिर अस्तित्व ही खेलता, और जितना हृदय रोता भीतर से, तो मैं कह नहीं सकता वेदना आपको, जितनी सीता का वियोग हृदय को जीर्ण शीर्ण कर जाता, विदीर्ण कर जाता, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, आप सिर्फ कहानियां पढ़ सकते हो। और आखिर में ये तो एकमात्र उपन्यास है कहकर बंद कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, मैंने दो अवतार अपनी आंखों से देखे, उस वक्त मैं इस धरा पे मौजूद था, आज भी हूं और मोक्ष तक मौजूद रहूंगा। अभी मुक्त हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, मैंने राम जी को गंभीर
धीर गंभीर साक्षात देखा है कृष्ण जी को, जीवन को किसी भी अवस्था में जिस ढंग से जिया जाता है ये देखे तो कोई कृष्ण से, सीखे तो कोई कृष्ण से। और जिस ढंग से मर्यादाओं को निभाया जाता है ये सीखे तो कोई भगवान राम से। दो अतियां हैं, एक इस अति पे है, एक उस अति पे है। राम कभी मुस्कुराए नहीं, कभी नहीं मुस्कुराए, सदा ही उनके चेहरे पे शांत धैर्य और शांति की आभा मंडराते रहते। और कृष्ण कभी उदास नहीं हुए, घोर व्यवस्थाएं जब जरासंध ने आक्रमण कर दिया कि या तो ये दो बच्चे हमारे हवाले कर दो नहीं हम जनता को मार देंगे, तो कृष्ण ने मुस्कुराते कहा कि आप हमें जाने दो, अगर दो व्यक्तियों के कारण एक राष्ट्र बचता है तो राष्ट्र को बचा लेना चाहिए। और हंसते हंसते बाहर चले गए और फिर जो हुआ आप सब जानते हैं। जीवन के अंत तक मुस्कुराते हुए चले, जो व्यक्ति भरे युद्ध में गीता का तत्व समझा सकता है अर्जुन को, उससे ज्यादा धीर पुरुष और कौन होगा। ये राजतंत्र की व्यवस्था थी, कृष्ण का बच्चा राजा होना ही चाहिए, राम का बच्चा राजा होना ही चाहिए, क्योंकि डीएनए इतना धीर गंभीर है कि वह झूठ नहीं बोलेगा, वह गलत वायदा नहीं करेगा, करेगा तो निभाएगा। राम ने सारा कुछ तबाह कर दिया, एक व्यक्ति भी ना दुखी हो मेरे राज्य में, और यहां एक व्यक्ति सुखी ही नहीं है राज्य में। कहां खामी हो गई, सिस्टम में खामी हो गई, गलत डीएनए चुन लिए गए। आज तक देश आजाद होने के बाद कितने व्यक्ति हमने सही चुने आप देख सकते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, लेकिन मैंने देखा सब कुछ है, आपको सभी व्यवस्थाओं के बारे में अच्छी तरह से बता दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसी जन्म का अनुभव नहीं रखता, मैं 500 जन्मों का अनुभव और साथ रखता हूं। राजा भी रहा, कंगाल भी रहा, दृद भी रहा, भिक्षुक भी रहा, मांग के भी खाया और लोगों को शासन भी दिया, सब कुछ भोगा जो ईश्वर की सृष्टि में मौजूद है, और अब तृप्त हूं। ये लोग कह देते हैं बाबा आप भीड़ इकट्ठे नहीं करते, ये गुरुजन तो भीड़ इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, वर्ण इनके शिष्य सदा ही जुटाते रहते हैं, घर घर जाके शिष्य बनाते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी आप क्यों नहीं करते, हम तरसे जा रहे हैं। नहीं, मैं भीड़ इकट्ठी करूंगा भी नहीं, भीड़ इकट्ठी करने का प्रयोजन भी नहीं है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़े हूं। राजनीतिक व्यक्ति ही अपनी बल को बढ़ाने के लिए भीड़ का इंतजाम करता है, मैं तो अकेले में ही उस परम सुख को माने हूं, और मुझे आदत हो गई है इस बात की,
अकेलेपन का मजा, आनंद, जो खुशबू अकेलेपन की मैंने चखी, और जहां से व्यक्ति को परम सुख उपलब्ध होता है उसे छोड़ने का मन नहीं करता, मन ही नहीं करता, तमन्ना ही नहीं उठती, बाहर आना पड़ता है तो सिर्फ मुझसे वायदा ले लिया गया संत पुरुषों ने, सिद्ध पुरुषों ने, क्या आप बोलोगे? मैंने उसका पालन किया, पालन किया, मैं मुक्त हुआ, सिद्ध पुरुषों ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं तो अपनी इच्छा से बोल रहा हूं, जब चाहे बंद कर दूं, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं। मैंने सिद्धों बुद्धों की दिए हुए वचनों की पूरी पालना की, मैं वो सब कुछ बोला जो मैंने जाना, इन 500 जन्मों में जो मैंने जाना, मैं राजतंत्र के बारे में भी जानता हूं, लोकतंत्र के बारे में भी जानता हूं, क्या नहीं जानता। 500 जन्मों का एकमात्र स्रोत बुद्ध के दर्शन करने से मैं चूक गया, बुद्ध के शरीर के दर्शन मैं नहीं कर सका, अब कर सकता हूं। सूक्ष्म लेकिन स्थूल कैसे लगते थे मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखे। कृष्ण और राम को मैंने भरपूर निगाह से देखा है, और तब पता भी नहीं होता था कि एनलाइटनमेंट होता क्या है, ये पुरुष होते कैसे हैं, लेकिन सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, खींचते थे, चुंबक थे, बड़े विशाल, धरती की तरह सभी चीजों को अपनी तरफ खींच लेते, ऐसे खींच लेते थे। कृष्ण को देखकर पूजा करने का मन उठता है, राम को देखकर उनके चरणों में लौट के रोने का मन करता है, ऐसा त्यागी पुरुष, ऐसा राजा धरती पे कभी हुआ नहीं, और बिल्कुल मैं कहता हूं कि होगा भी नहीं कभी। उसने मर्यादाओं की सभी प्रकाष्ठाओं को लांघ दिया, उससे ज्यादा मर्यादाओं को निभाने की कोई आगे हो ही नहीं सकती, पराकाष्ठा को पार कर दिया उसने, और कृष्ण के मनमोहनी सूरत को देखकर दिल करता है कि इनकी पूजा करें। वो कहते नहीं मेरी पूजा करो, आज तो गुरुजन कहते हैं हमारी पूजा करो, लेकिन कृष्ण नहीं कहते, कृष्ण को देखकर पूजा करने का मन होता है, और धीर गंभीर राम को देखकर उनके चरणों में लौट के रोने का जी करता है। इतना त्याग, इतना विशाल त्याग, और मां सीता इतना विशाल त्याग, ये लोग जो उसके चरित्र हनन की बातें करते हैं ये ज्यादा समझदार नहीं है, ना समझ लोग हैं, इनकी खोपड़ी से सोचते हैं, इन्होंने देखा कुछ नहीं, जैसे नास्तिक लोग होते हैं, नीच से जैसे वैसे ही ये हैं, पेरियार जैसे, ये कुछ नहीं जानते, इन्हें देखा बेखा कुछ नहीं, सिर्फ ये सामाजिक व्यवस्थाओं में उलझे हुए लोग हैं, राजनीतिक हैं। ऐसे होनी चाहिए व्यवस्था वोटिंग के, इकट्ठी होनी चाहिए व्यवस्था, बहुत सी त्रुटियां निकल जाएंगी। देखिए 100% तो कोई भी आपके पास आज व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था सुंदर थी अगर जनक जैसे राजा बने रहते, 19 परंपराएं चली जनक, बड़ा सुंदर राजतंत्र था, भगवान राम का राजतंत्र बड़ा सुंदर था, राजा दशरथ जितने भी इक्ष्वाकु वंश के हुए, रघु वंश के हुए, उससे आगे लवकुश ने भी ऐसा कभी कोई कांड नहीं किया,
ये था राजतंत्र का डीएनए, संतुष्टि का भाव, कहीं भागना नहीं, कहीं दौड़ना नहीं, संतुष्ट। और संतुष्टि डीएनए के भीतर प्रविष्ट हो जाती है और वो डीएनए कभी टूटता ही नहीं। आज आप अगर लव और कुश का डीएनए ढूंढ लोगे कहीं, तो आप उनसे राज करवा के देखो कितना सुंदर राज करते हैं वो लोग, लेकिन पता ही। आज कृष्ण का डीएनए अगर आप ढूंढ सको तो बड़ा सुंदर मिलेगा, क्योंकि उस एनलाइटनमेंट के भीतर उनके डीएनए ने जो खुशबू पी ली है वो नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। इसीलिए राजा से राजा, उसका पुत्र राजा, ये व्यवस्था की गई थी, ये था भीतर का कारण। आज तो हम कहीं का ईंट, कहीं का रूड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये प्रथा को निभा रहे हैं। पता नहीं कौन कहां से आया है, किसके भीतर का डीएनए संतुष्ट है नहीं है, कौन डाकू, कौन लुटेरा, कौन हत्यारा, कौन दानी, कुछ पता नहीं। ये व्यवस्था ठीक से समझी जाए तो नहीं ठीक है वैज्ञानिक ढंग से। हम पहले जमाने में शादी करते थे, गोत्र देखते थे और उस गोत्र के आगे देखते थे, नानी का गोत्र, परनानी का गोत्र, दादे का, परदादे का गोत्र, उसका कारण कुल मात्र इतना ही था। इनमें से कभी कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं हुआ, किसी ने कोई अपराध किया, कोई कत्लो गारत फैलाई हो, कुछ दुष्चरित्रता फैलाई हो, कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं है इनमें, तो पता चल जाएगा गोत्र से। लेकिन महाभारत के बाद गोत्र समाप्त हो गया, करीब करीब छिन्न भिन्न हो गया, इंटरमिंगल्ड हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा भी है अर्जुन को, जब ऐसे वक्त आते हैं तो वर्ण शंकर औलादें पैदा होती हैं। वर्ण शंकर का अर्थ क्या है? पता नहीं कौन किसी का स्पर्म है, पता नहीं किसके स्पर्म है, किसकी रज है, कोई पता नहीं। ये वर्ण शंकर उसे कहते हैं। स्पर्म कहां से आया, रज कण कहां से आई, कोई पता नहीं। लेकिन पहले बिल्कुल संभाल के रखे जाते थे। उनके भीतर संतुष्टि का भाव, एनलाइटेंड पर्सन को खोज के अगर वह व्यक्ति राज कर सकता है, जैसे जनक की परंपरा में ये कुछ हुआ, जैसे जैन परंपरा में ये कुछ हुआ, जैन परंपरा के 24 तीर्थंकर सभी राजा थे, कभी किसी के जीवन में उत्पात देखा? राजा से राजा, राजा से राजा, कभी कोई उत्पात देखा? नहीं देखा। कारण, कारण डीएनए। आपको आज नहीं कल साइंटिफिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप वर्ण शंकरों से मुक्ति चाहते हैं। वर्ण शंकर यानी पता है, प्रबुद्ध पुरुषों के संस्कारों और उनकी बुद्धि का उपयोग करके जाना पड़ेगा। आपने देखा एक पिछली व्यवस्था थी, बहुत से राजा जैसे भगवान राम भी राज करते, लेकिन उनके एक राजगुरु होते थे, बाहर आश्रम में कुटिया, जैसे चाणक्य होते थे चंद्रगुप्त के, बाहर कुटिया, चरित्रवान पुरुष, खुद राज कर सकते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त को राजा बनाने की बजाय खुद भी बन सकते थे, लेकिन नहीं, नहीं बनते। इससे बड़ा त्याग और क्या होगा? क्या है, क्यों है? डीएनए। ऐसे व्यक्तियों को खोजना होगा,
अगर राजतंत्र में बिल्कुल शुद्ध 100% न्याय चाहते हो, राम राज में कोई व्यक्ति दुखी नहीं। राम राज्य बड़ी मुश्किल से, ये एक अजूबा है, जनकों का शासन, राम के सारे राजाओं का शासन, दिलीप हो, अज हूं, भगीरथ हूं, सगर हूं, इन महान आत्माओं को आप पहचानना, देखना, इनका जीवन देखना, तो समझो 24 के 24 तीर्थंकर जैन राज्य किया और राज्य के साथ साथ धर्मोपदेश भी किया, दोनों का मिलान, ये संगम नसीब होता था जगह जगह। आज आध्यात्मिकता कुछ लोगों ने समाप्त कर दी, संसारिक व्यवस्थाओं को ठीक वो हुए, मार्क्स जैसे लोग, नीचे जैसे लोग, संसारिक व्यवस्थाएं बहुत सुंदर कर दी इन्होंने, लेकिन जो मुख्य जरूरत थी, भूख थी आत्मा की, वो छीन ली गई। आज कहां है, नास्तिक लोग हैं, और आस्तिकता तो आदमी को चाहिए ही चाहिए ही, सच्ची आस्तिकता। गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, इनकी आस्तिकता नहीं चाहिए हमें, सच्ची हृदय की आस्तिकता चाहिए। मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे जो कुछ टेंदा बुल्ले शाह, पर दिल ना टाइम, ऐसे दिल विच दिल भर रहता। ये व्यवस्था मैंने बताई, आगे की बहुत सी बातें हैं, फिर किसी दूसरे प्रोफेशन में मैं बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, धन्यवाद।